रुद्राक्ष का सीधा कनेक्शन भगवान शिव से है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू से हुई थी। धार्मिक दृष्टि से रुद्राक्ष का अपना विशेष महत्व है। सावन के महीने में लोग रुद्राक्ष को धारण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसके कई फायदे बताए गए हैं। कहा जाता है कि जिस पर भगवान शिव की कृपा होती है वो ही रुद्राक्ष को धारण करता है। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित उमेश मिश्रा ने बताया कि रुद्राक्ष शरीर के कवच के रूप में काम करता है। सावन के महीने में इसे धारण करना और भी शुभकारी होता है। रुद्राक्ष जीवन में आने वाले कई तरह के बाधाओं को दूर करता है। इसके अलावा रुद्राक्ष धारण करने से शरीर और मन शांत होता है। अक्सर जिन्हें बेवजह गुस्सा आता है उन्हें रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष नेगेटिव ऊर्जा को भी समाप्त करता है। इसके अलावा रुद्राक्ष धारण करने से कई ग्रहों के अंतरदशा और महादशा में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नहीं, रुद्राक्ष ध्यान साधना में भी सहायक है। रुद्राक्ष जो है महाशंकर की जो है नेत्र से जो है निकला हुआ है। दूसरी बात है, इसको पहनने से होता है कि जो भी शरीर में आदि व्याधि जो ग्रह का महादशा अंतरदशा प्रतंत्र जो चलता है उसे कष्टों का निवारण होता है। इसे जो है अगर इसे जो है 1001 बार या 1051 बार इसे महामृत्युंजय के जप करते हैं, इसे जो भी कष्ट दुर्बाधा होता है, जो भी शरीर में शारीरिक जो कष्ट होता है इसे उसका निवारण होता है। जो लड़ पहनते हैं उसे जो है ज़्यादा करके विशेष करके मतलब कि शारीरिक पीड़ा हो, शरीर में कष्ट हो या बहुत ऐसे कि ग्रह होते हैं जो बल्यावस्था में वो बलवान हो जाते हैं, वो बच्चों को ज़्यादा कष्टकारक करते हैं एकाग्रता, हाँ, तो उसको जो है एकाग्रचित करने के लिए, मन को एकाग्रचित करने के लिए, मन में शांति रहने के लिए इसमें विशेष करके एक मुखी रुद्राक्ष हो या चतुर्मुखी हो या पंचमुखी रुद्राक्ष हो, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है।